दोस्तों, धर्म देखकर किस तरीके से एक कौम को निशाना बनाया जाता है ये तो लगातार बोला ही जा रहा था, लेकिन अब हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणियां करता हुआ नजर आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नूह हिंसा की। नूह हिंसा में 300 से ज्यादा दुकान मकान को बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया और उसके बाद मीडिया का एक बड़ा तबका इस बुलडोज किए गए घर को देखकर ऐसे खुश हो रहा था, ऐसे नाच गा रहा था जैसे उसकी दिली तमन्ना थी कि ये घर जो है वो गिरा दिया जाए, इस घर को तोड़ दिया जाए और उसके बाद वो जश्न मनाते हुए स्टूडियो में दिखाई दे रहे थे। और कुछ नफरती चिंटू भी सोशल मीडिया पर इस घर के गिराने से बहुत खुश थे। खट्टर सरकार के कॉलर जो है उठा उठा कर कह रहे थे, वाहवाही दे रहे थे, शाबाशी दे रहे थे कि खट्टर सरकार ने कितना न्याय किया है, कितना इंसाफ किया है। लेकिन इस न्याय और इंसाफ के बीच कानून का भी रास्ता होता है दोस्तों, कोर्ट भी जाता है। और जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है, चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, अब ये मामला पूरी तरीके से दुनिया भर में फैलता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर में हेडलाइन छप रही है कि कैसे हिंसा के बाद मुसलमानों के दुकानों को, घरों को, मुसलमानों को निशाना बनाया गया, चुन चुन कर उनके घरों को बुलडोज किया गया। ये दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन के साथ छप रहा है। दोस्तों, भारतीय मीडिया इस खबर को भले ही तवज्जो ना दे रही हो, मजे ले रही हो, लेकिन विश्व भर में जो विश्व गुरु की जो उपाधि हो रही, जो उपाधि मिलती है, उस उपाधि में एक बहुत बड़ा दाग है दोस्तों। जब विश्व भर के अखबारों में, पोर्टलों में, न्यूज़पेपरों में, न्यूज चैनलों पर इस खबर को जो तसल्ली के साथ छापा जा रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर रही हूँ दोस्तों अल जजीरा का। कतर से छपने वाला ये अखबार है अल जजीरा, जो काफी जो मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को लेकर तवज्जो से आर्टिकल छापता है, वीडियो पब्लिश करता है, और यही वीडियो अब अल जजीरा ने भी पब्लिश किया है और सोशल मीडिया पर पब्लिश किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये वीडियो कहाँ कहाँ गया होगा और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अल जजीरा जो है वो किस तरीके से गल्फ में कितना ज्यादा लोकप्रिय अखबार है, लोकप्रिय चैनल है। तो अल जजीरा ने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाकर पेश किया है और पूरे भारत में जो हरियाणा में जो हुआ है मुसलमानों के साथ, उसकी पूरी की पूरी खबर, पूरी की पूरी जांच जो है उन्होंने छाप दिया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हरियाणा में जो बुलडोजर से बुलडोज किया गया घर, किसी के मकान को, किसी के दुकान को, किसी के होटल को, रेस्टोरेंट को अवैध बताकर, इतने दिनों से सरकार सोई हुई थी, 25 साल से किसी का मकान, किसी का दुकान, किसी का घर था, 25, 30, 35, 40 ऐसे ही साल से घर बना हुआ था दोस्तों, तब अवैध नहीं था, तब ये अतिक्रमण में नहीं आ रहा था, लोग बिजली का बिल भी भर रहे थे, पानी का बिल भी भर रहे थे, टैक्स भी दे रहे थे, तब ये अवैध निर्माण के कैटेगरी में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई उसके बाद मुसलमानों के दुकान, मुसलमानों के मकान, उनके घर, वो सब अवैध बता बता कर बुलडोज कर दिए गए। और इस पूरे मामले को लेकर अल जजीरा ने बहुत ही प्रमुखता से छापा है, बताया है कि कैसे मॉब हुआ है, किस तरीके से उनके, पहले उन्हें मारा गया, टारगेट किया गया और फिर उनके दुकान, मस्जिद और तमाम चीजों को जो है, मस्जिद के आगे की जो दुकान है, औरतें रो रही हैं, बच्चे अपने बाप की दुकान के सामान को समेट रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें दोस्तों कोई भी देखेगा तो देख के उसका कलेजा पसीज जाएगा। और ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री अल जजीरा की तरफ से शेयर किया गया। कल भी दोस्तों जब बुलडोजर चल रहा था तो एक रेस्टोरेंट था जो बहुत सालों से खड़ा था, उसको जो है गिरा दिया गया, जमीन से जमीन दोस्त कर दिया गया। और उसके मालिक ने कहा कि हमें आज तक नहीं पता था कि ये अवैध है, हम तो बिजली का बिल भी भर रहे थे और हमारे पूरे घर को, पूरे मकान को जो है पत्थर बोल बोल करके यहाँ से पत्थर चलाया गया, बुलडोज कर दिया गया। वो सब अपना दर्द कैमरे पर बयां कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कैमरे पर नहीं दोस्तों, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है उस कैमरे पर नहीं, बल्कि जो वहां पर लोकलाइड है और जो विश्वसनीयता दिखाते हैं, जो चैनल स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों को बताया जा रहा है, उन लोगों के कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है हरियाणा के अंदर, किस तरीके से इंसाफ हुआ है। इसे इंसाफ कह सकते हैं दोस्तों? इंसाफ तो तब हुआ होता जब
वीडियो को आधार बना बनाकर जिस तरीके से असला लहरा लहरा कर गोलियां चलाई जा रही थी, लूटा जा रहा था नाम देख देख कर दुकानों को, तब इंसाफ होता, चाहे वो कोई भी समुदाय का लोग हो। पत्थर जिस दुकान से, जिस मकान से चलाया गया, दोस्तों जो वीडियो बता रहे हैं कि इस मकान से पत्थर चलाया गया, उसकी पूरी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो खट्टर का न्याय था, जो यूपी से प्रेरित होते हुए मध्य प्रदेश से प्रेरित होते हुए हरियाणा पहुंचा, उस न्याय में किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हुआ, ये हाईकोर्ट ने भी माना है। और हाईकोर्ट ने तो सीधे टिप्पणी की दोस्तों, कल जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चली और बुलडोजर से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही थी, तो हाईकोर्ट ने तुरंत रोक लगाया, फ्रीज किया कि आप बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चला सकते हैं। किस आधार पर आप बुलडोजर चला रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप खास समुदाय को टारगेट करने के लिए, एक एक घर को निशाना बनाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की है, इस तरीके का कार्य जो है किया है। ये हाईकोर्ट का बयान है दोस्तों, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, बिना किसी याचिका के, बिना किसी चीज के उन्होंने फौरन आनन फानन इस पर रोक लगाई है और कोर्ट में बैठे बैठे ये आदेश दिया है कि आप इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी के घर को बुलडोज नहीं कर सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट का जो ये फैसला है दोस्तों, ये सर आंखों पर है, लेकिन थोड़ा देर हो गया माय लॉर्ड, क्योंकि 300 से ज्यादा घर इस जद में आ गए, 300 से ज्यादा घरों को बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया। उन परिवारों का दुख तकलीफ आज भी उनके आंखों में नजर आता है कि किस तरीके से उनकी आंखें जो है वो पथराई हुई है, कैसे वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और हमारे ही घर मकान को तोड़ दिया गया। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान थे, हमारा गुनाह बस इतना था कि हम मुसलमान हैं, हमारा नाम उर्दू वाला है, इसलिए हमें टारगेट किया गया। ये हरियाणा के पीड़ितों का दर्द है दोस्तों। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।